अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उज्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी और सीरियन सेक्शन दोनों के क्या क्या फ़वाद और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उनके प्रोज एंड कॉन्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताते चलूँगी, जो आज की वीडियो है बेसिकली वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए है कि इसके क्या क्या फ़वाद हैं। वैसे तो ये जो ऑप्शन होता है आपके पास, ये पेशेंट की और मदर, यानी पेशेंट की मदर की और बेबी की हालत को असेस करते हुए जो ये फैसला होता है वो आपका जो डॉक्टर होता है वो ये डिसाइड करता है, लेकिन ये माँ के हाथ में भी होता है। अब अगर मैं एक टर्म आपको बताऊँ जिसे हम कहते हैं कि माँ इतनी ज़्यादा खौफ ज़्यादा होती है, सम टाइम पेशेंट इतना खौफ ज़्यादा होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर ही नहीं करता। और जैसे ही उसकी टर्म कंप्लीट होती है, उसके 9 माह पूरे होते हैं, 37 वीक्स होती है, तो खुद ही आके इलेक्टिव सीरियन सेक्शन करवा लेती है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ कि इलेक्टिव सी सेक्शन क्या होता है और एमरजेंसी सी सेक्शन क्या होता है। इलेक्टिव सीरियन ऐसा होता है कि आपको कोई बच्चे और माँ की जान का कोई खतरा नहीं है, आप खुद अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर के पास आके अपना टाइम मुकर्रर करके आप सीरियन सेक्शन करवा लेते हैं। और जो इमरजेंसी सेक्शन होता है उसमें ऐसा होता है कि आप मदर की या बच्चे की जान को खतरा है, जैसे कि कोई बच्चे की जो फीटल डिस्ट्रेस जिसे हम कहते हैं कि बच्चे की धड़कन खराब हो गई है, बच्चे ने माँ के पेट में बखाना कर दिया है जिसे हम मेकोनियम कहते हैं, या बच्चे को और कोई इशू है, बच्चे के गले गले में नाड़ू है तो जो बच्चे का, या पानी कम है, बच्चे की हरकत माँ को महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसी किसी इमरजेंसी कंडीशन में हम जो है वो सीरियन सेक्शन जो करते हैं उसको हम कहते हैं इमरजेंसी सी सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं एनवीडी की, एनवीडी डिपेंड करती है कि पेशेंट कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है। जब आज से, अभी अगर हम आज से कुछ साल पहले अपनी जो अपनी मदर्स या अपनी ग्रैंड मदर्स की, दादी नानियों की बात करें, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी उस दौर में बिल्कुल यंग एज में, यानी वो 15-16 साल की होती थी, तो वो नॉर्मल डिलीवरी को, यानी उनका जो केस है वो हमेशा वो प्रेफर करती थी कि उनका केस नॉर्मल ही हो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है तो उसमें जो ये मैं ट्रेंड अपने खास तौर पर पेशेंट में जो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि वो इलेक्टिव सेशन को प्रेफर करती हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती ही नहीं है। हालांकि अगर उनके चांसेस भी हैं कि उनका जो पेल्विक है वो एडिक्वेट है, यानी कि माँ की हड्डी भी ठीक है, बच्चे की जान को खतरा भी नहीं है, उसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, फेवरेबल सर्विक्स है उसकी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ को प्रेफर नहीं कर रही है और सीरियन सेक्शन की तरफ जा रही है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई इंडिकेशन नहीं है सीरियन सेक्शन की, तो आप लाजिम ये प्रेफर करें कि आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं। अब सम टाइम पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट का पहला बच्चा है, यानी कि वो प्राइमरी पेशेंट है, उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि अपनी फ्रेंड्स या अपने जितना भी उसका सोशल सर्कल है उसमें उसने बाकियों की जब कोई उसकी डिलीवरी हुई हो उनका कोई वाकया वो देख ले या सुन ले कि उसका केस मुश्किल था, और या बेबी को खतरा था ड्यूरिंग डिलीवरी, या उसको पेन से बहुत डर लगता हो, उसका थ्रेशोल्ड लेवल पेन का बहुत कम है, यानी कि उसको बहुत जल्दी पेन, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी भी पेन पे उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं होता और वो प्रेफर करता है कि उसने सेक्शन ही करवाना है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक हमारी मेडिकल की जबान में बिल्कुल ये कंडीशन है, पेशेंट को सम टाइम बहुत ज़्यादा डर होता है और नॉर्मल डिलीवरी को बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करता। लेकिन आपको आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलना चाहिए। अगर आपका जो पेल्विक एडिक्वेट है, यानी आपकी फेवरेबल चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी की, तो आप इसकी तरफ जरूर जाएं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से ये आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग आपके इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब एक तो सीरियन सेक्शन के अंदर बहुत ही लिमिटेड चांसेस होते हैं, अल्लाह ना करे किसी औरत का बच्चा एक्सपायर हो गया है या उसके मल्टीपल बेबीज एक्सपायर हो गए हैं और उसके हैं भी सीरियन सेक्शन, तो सीरियन सेक्शन मैक्सिमम 5 या 6 या 7 7 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा सीरियन सेक्शन नहीं हो सकते, तो उसके जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे हर सीरियन सेक्शन के बाद। लेकिन अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर मैंने अपनी जो है वो प्रैक्टिस के अंदर ग्रेविडा 25 26 भी देखे हैं जिसके 25 26 बच्चे भी होते हैं, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, लेकिन सीरियन में आपके पास चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको जो वेट गेन हो जाता है सीरियन सेक्शन के बाद, ऑब्वियसली क्योंकि आपको एक यूट्रस पे स्कार होता है,
आपके टांके लगे होते हैं, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट लूज करने में भी मुश्किल होती है, और आपको बाद में भी पेन की कंप्लेन रह सकती है। तो लेकिन नॉर्मल लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आप इजीली अपना वेट गेन कर सकती हैं, जल्दी रिकवर कर सकती हैं, और जल्दी अपनी जो है ना वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आप वापिस आ सकती हैं। इसलिए आपको नॉर्मल लिविंग को जरूर प्रेफर करना चाहिए। और आजकल तो अंडर एपिड्यूरल एनेस्थीजिया, एक नया एनेस्थीजिया आया है जिसमें आपको कमर में एक टीका लगाया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीजिया दिया जाता है, जिससे आपका जो निचला हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है और आपकी पेनलेस डिलीवरी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी अफोर्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन हैं कि अक्सर पेशेंट मुझे आकर कहते हैं कि ओवरऑल जो मैंने पेशेंट देखे हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमने हम दर्द जो है दर्दे आप में हमें दर्दे होती नहीं है, तो आप हमें ना डॉक्टर साहब दर्दे लगाएं, तो जब तक हमसे बर्दाश्त होगा हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब हमसे बर्दाश्त ना हुआ, यानी कि बच्चे की हरकत खराब, धड़कन खराब होने लगी या कोई इमरजेंसी बन गई, तो आप हमारा सी सेक्शन कर दीजिएगा। ऐसी सूरत हाल में माँ और बच्चे दोनों को काफी खतरा हो सकता है। तो जो सी सेक्शन इमरजेंसी में किए जाते हैं, जिसमें उसमें बच्चे और माँ दोनों को खतरा ज्यादा होता है, उसमें वूंड हीलिंग सही से नहीं होती, उसमें बेबी की एक्सपायरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने सीजन सेक्शन प्रेफर करना है, तो आप फिर अगर आप आपने सोच लिया कि आपने सीजन सेक्शन ही करवाना है, तो आप कोशिश करें, ठीक है आप ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन फिर इलेक्टिव सीजन सेक्शन जो है वो बेहतर होता है।